या पता नहीं क्या किया, इस वजह से काफी मतलब मसले पैदा हो रहे थे। तो हाथी ने कहा कोई मसला नहीं है, हाथी ने कहा कोई मसला नहीं है, उसके बाद फिर हाथी ने भी बेटे बेटे माज कर दे। एक चूंटी रिक्शे पर सफर कर रही थी, उसकी दोनों टांगे नीचे से लटकाई हुई थी, तो रिक्शा ड्राइवर ने उसे कहा कि काइंडली मैडम अपनी टांगे अंदर कर दें, जिस पर चूंटी ने उन्हें यह कहा कि मैं ये टांगे अंदर नहीं करूंगी क्योंकि जो है मैं चाहती हूँ कि जो आगे हाथी खड़ा है मैं उसे टांग मारूं, क्योंकि वो कल ठरकी मुझे आंख मार के गया था। स्विमिंग पूल में तीन चींटियां नहा रही थी, तो वहां पे हाथी ने जिद की कि मैं भी नहाऊंगा, तो चींटियों ने उसे मना किया कि अल्लाह के बंदे छोटा स्विमिंग पूल है हमें नहाने दो, लेकिन हाथी ने जिद की कि नहीं मैं भी नहाऊंगा, और हाथी जो है जबरदस्ती उसने छलांग लगा दी। इसके छलांग लगाने का नतीजा ये हुआ कि चींटियों को गुस्सा आ गया और एक उसकी कमर के ऊपर चढ़ गई, और हाथी ये कहने लगी चींटी जब उसकी कमर पे चढ़ी तो बाकी चींटियों ने कहा दुबा साले को, मतलब जो इसे हमारी बात क्यों मारा है आपने, क्या हो गया मारा है यार, वैसे मैं घर जा रहा हूं, क्या मार दिया मेरी जान, बैलून मारे दो यार, प्रोग्राम चल रहा है, कोई एथिक्स होती है, ठीक है कोई प्रोग्राम नहीं यार, वैसे मंजी विच डांग फिरदा पंजाबी का हमारा चलता है शो, ठीक है ये प्रोग्राम का नाम है अल्लाह के बंद यार बदतमीजी है, वैसे एक बंदा जा रहा है फजूल में मार रहे यार, ये कोई मारा क्या मेरी जान, मैं इंटरव्यू अगर आप मारा है आपने यार, ये किधर की बदमाशी, बैलून मारा, हाँ बैलून मारे, ये देखो हाय 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 यार आपके साथ यार, तो बहुत ज्यादा हुई है। सलमान खान की शादी को लेकर राखी सावंत को काफी सारे मसले दरपेश थे, तो उसने सलमान खान से मेरे ख्याल में सवाल किया या पता नहीं क्या किया इस वजह से काफी मतलब मसले पैदा हो रहे थे। सलमान खान कहते हैं यार मेरी जिंदगी है मैं शादी करूं ना, भैया थोड़ा सा साइड पे हो जाए, इंटरव्यू शूट हो रहा है, तंग कर रहे हैं मुझे, तो मैं शादी करूं ना करूं मेरा मसला है, मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जरी बात यार बंदे की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन यार बिल्कुल बीच में यार कसम से क्या हो गया, क्यों मारा मुझे बैलून यार, मैं बैलून नहीं मार रहा, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं आपको इशारा मार रहा हूँ, बेवकूफ हूँ ये बता मुझे, तुम बेवकूफ लग रहा हूँ मुझे, आपके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है शायद आप हो, अरे भाई जिन भूत तो नहीं है, रात तो नहीं यार, आप ही मारे, एक दफा आपने मारा। मीनारे पाकिस्तान में हुई एक ज्यादती 14 अगस्त के वाकये के बाद एक बच्चे के साथ ज्यादती हुई, नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादती सिर्फ एक किस्म की नहीं होती, उस बच्चे के साथ ज्यादती ये हुई है कि उसके घर वालों ने उसे शूज लेके दिए थे पूरे 750 रुपए के, वो भी लंडे से, तो जब उसे शूज लेके दिए वो बेचारा सीधा शूज पहन के वो गया मीनारे पाकिस्तान वाले पार्क में ये देखने के लिए कि जॉगिंग हो पाती है या नहीं हो पाती, ठीक है, तो अब बेचारा वो जॉगिंग करने गया था, उसे क्या पता था कि उसके तो बेचारा भैया थोड़ा साइड पे बीरो, मेरा लीगल चैनल है, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, 12 साल का बच्चा है, उसके जूते मीनारे पाकिस्तान में घूम गया, उसके ऊपर केस चल, क्या है भाई, कोई इंसानियत भी होती है यार, अरे जूते मैंने उठा लिए भाई, मैं तो इंटरव्यू ले रहा ना, चूटी ने मजाक मजाक में एक हाथी को चुटकी काट ली, जिसकी वजह से हाथी को काफी गुस्सा आया, लेकिन चूटी ने कहा कि यार मैं आपके साथ मजाक कर रही थी, तो हाथी ने कहा कोई मसला नहीं है, हाथी ने कहा कोई मसला नहीं है, उसके बाद फिर हाथी ने भी एक छोटी सी उसको चुटकी काट ली, जिसके बाद हुआ ये कि चूटी का दम निकल गया, चींटी का दम निकल गया, और हाथी ने उसे ये कहा कि भाई जब मजाक बर्दाश्त ही नहीं होती तो फिर करते क्यों हो, बड़ी अच्छी बात यह है हाथी ने, जहरी बात है चींटी ने मजाक की उसे बर्दाश्त नहीं हुई वो फुड़क गई। नज़ीन जंगल में एक हाथी की मौत हो गई, उसकी वजह पूछने के लिए जब कुछ लोग वहां पर गए तो उन्हें पता चला कि इसकी मौत की वजह यह है कि चूंटी ने हाथी के कान में कोई ऐसी बात कह दी कि जिसकी वजह से हाथी का इंतकाल हो गया। इंटरव्यू चल रहा है, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता, आगे हाथी की मौत होगी, आप अजीब बातें कर रहे हो, तो वो ना क्या करो यार, क्यों करते हो लोगों के साथ इस तरह यार, छोटे कद वाले इंसान मुझे ये बताएं कि आप बीच में से गुजर रहे हैं, छोटे कद या बड़ा कद आपको इससे क्या लेना, अल्लाह ने पैदा किया यार, अजीब बंदे हो यार, मतलब उल्टे ऊपर से गलती करते हो आगे ऊपर से, छोटा बड़ा कद यार, अल्लाह माफ करे, 30 रुपए किलो वाले सेब खा के इतना एटीट्यूड आपने यार, 50,000 रुपए का माइक है मेरा, इतने में एटीट्यूड नहीं, सेब लेके नहीं दिया ना मैंने, अपने पैसों से खरीदा सेब यार, ये खा लो आप, मैं तो खाने की चीज है यार, अजीब बंदे यार, मजाक उड़ा रहे हो लोगों के, मैं शूट कर लूँ अगर आपकी इजाजत हो तो, आपको हुआ क्या यार, बदून मारा है आपने, यहाँ पे ऑफिस के लिए जा रहा, ड्यूटी के लिए जा रहा है, अभी कपड़े किधर से मैं सुखाऊंगा, अभी शर्ट उतारनी पड़ेगी मुझे, अच्छा बात सुने, माइंड नहीं करिएगा, हमारा प्रैंक चैनल है, इंटरव्यू चैनल नहीं है, ठीक है, कपड़े हम आपको सुखा के देंगे, ठीक है, माइंड तो नहीं किया, हम प्रैंक सारा करते हैं, तो आज का टॉपिक इस तरह था।